भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे मनुष्य रथ में घोड़े को जोड़ उसके ऊपर स्थित होकर जाने आने से कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्तमान विद्वान मनुष्य वीर पुरुषों के संग से सब कार्यों को सिद्ध करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सबको सुखी करता है, वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय व शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुओं को जीत कर सब प्राणियों को आनंदित किया करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता व रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ को इकट्ठा करके प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर गिराकर विजय को प्राप्त होता है, वैसे ही सेना आदि अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य के प्रताप और महत्व के आगे पृथ्वी आदि लोकों की गणना स्वल्प है, वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुषों की महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ है। अब सूर्य सभाध्यक्ष कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है, मनुष्यों को जैसे सूर्य पृथ्व्यादिकों के गुण व परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तम गुणयुक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है, जैसे बिजली के सहाय से सूर्य व सूर्य के सहाय से बिजली बढ़ के विश्व को प्रकाशित और मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में घेर देती है, जैसे ग्वाला गौओं को बंधन से छोड़कर सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय की रक्षा और शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर और धार्मिकों को दुख रूपी बंधनों से छुड़ाकर सुखी करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जो मनुष्य सभाध्यक्ष व सूर्य के सहाय से शत्रु व मेघादिकों को जीत कर पृथ्वी के राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है, वह सब शत्रुओं का बिलोड़न करने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, हे सेनापते आप जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीव का ताड़न कर भिन्न भिन्न अक्षरों व पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रुबल को छिन्न भिन्न और अंगों को विभाग युक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता करे। अब वह सभाध्यक्ष क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या विनय न्याय और शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके और उत्साह देकर इनका सदा सत्कार करें, तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों द्वारा शास्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्प विद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहने वाले वीर पुरुषों को जीतकर प्रजा की निरंतर रक्षा करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, यह सबको निश्चय समझना चाहिए कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत की उत्पत्ति के बिना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने में जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा धारण करने में समर्थ होता है, समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। फिर उक्त सभाध्यक्ष और विद्युत कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, मनुष्यों को उचित है कि जो बहुत सुख देने वाला तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी विद्वान मनुष्य है, उसी को प्रजा की रक्षा में नियुक्त करें और बिजली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ परोपकारी विद्वानों को उचित है
कि नित्य प्रयत्न पूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान करें, तथा मनुष्यों को चाहिए कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी और कर्मों से प्रसन्न करके ठीक ठीक पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से भिन्न दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसलिए सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस सूक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्नि विद्या का प्रचार करना आदि कहा है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 29वां वर्ग, 4था अध्याय, 61वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचमाध्यायारम्भः। अब 5वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे सभाध्यक्ष के आश्रय से व्यवहार और परमार्थ सुखों को सिद्ध करें। फिर मनुष्य को इस विषय में क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग वेद, सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कहे हुए धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सबके हित को धारण करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। फिर मनुष्यों को पूर्वोक्त कृत्य किस लिए करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि माता के समान प्रजा में वर्त, सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान में की हुई नीति में स्थित हो और सबके उपकार को करते हुए विद्यादि सद्गुणों के आनंद में सदा मग्न रहें। मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली अपने उत्तम उत्तम गुणों से वर्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ की उत्पत्ति आदि कार्यों को सिद्ध करती है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि अत्यंत उत्तम उत्तम विद्या बल से युक्त जनों के साथ वर्तमान रह के विद्या रूपी न्याय के प्रकाश से अन्यान्य वा दुष्टों का निवारण कर चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को प्रातः काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखों की वर्षा करनी चाहिए। फिर भी इस सभाध्यक्ष के कैसे कर्म हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन, यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब दिशाओं में कीर्ति की वर्षा करें। फिर सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सभा आदि का अध्यक्ष ऐश्वर्य को और सूर्य प्रकाश तथा पृथ्वी को धारण करता है, वैसे ही न्याय और विद्या का धारण करें। अब रात्रि और दिन के दृष्टांत से स्त्री और पुरुष किस प्रकार वर्ताव करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे चक्र के समान सर्वदा परिवर्तनशील रात्रि दिन परस्पर संयुक्त रहते हैं, वैसे ही विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रेम के साथ वार्ता करें। फिर वे